हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ न्यू डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो इसमें हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट रहेंगे। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को टू फोल्ड कर लेना है। अब हम यहाँ पे लेंथ का मार्किंग लगाएंगे। तो जितनी भी हमें लेंथ चाहिए उसमें एक इंच ऐड करके लेना है। तो हमें यहाँ पर 14 इंच लिया है। अब हम शोल्डर के लिए मार्किंग लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच लिया है। स्केल की मदद से सीधी लाइन कर ले। अब हम यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्किंग लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच लिया। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। इसे भी सीधे स्केल से लाइन ड्रॉ कर ले। अब हम यहाँ पे चेस्ट के लिए लगाएंगे। तो जितना भी हमारा चेस्ट रहेगा, यहाँ पे मैंने 34 चेस्ट के लिए लगाया 8.5, और उसमें 2 इंच की मार्जिन। इसे भी सीधा कर ले। अब हम वेस्ट के लिए लगाएंगे। तो वेस्ट के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा। जितनी भी हमारी वेस्ट रहेगी उसमें चौथा भाग निकाल के 2 इंच का मार्जिन। अब दोनों लाइंस को मैच कर ले और सीधी स्केल से ड्रॉ कर ले। अब हमें आर्म होल की गोलाई देनी। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच पे मार्क लगा के इसे गोलाई का शेप दे दिया है। 1/2 इंच कवर करके सीधी लाइन खींच ले, ताकि जब हम फैब्रिक कट करेंगे तो शेप अच्छे से आए। अब इसे कट कर ले। अब हम प्रिंट स्कर्ट का शेप देंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच लिया है, और ऊपर से लेना है हमें 10 इंच। अब स्केल से दोनों लाइंस को मैच कर दे। अब आर्म होल की तरफ गोलाई देना है। अब इसके आगे की ओर हमें 1 इंच का मार्जिन रखना है, और पीछे की ओर 1/2 इंच का। अब दोनों में हम शेप दे देना है और इस शेप को कट कर लेना है। इसे भी कट कर ले। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमारा 10 इंच आया था, तो अब हम यहाँ पे 11 इंच पे मार्क लगाएंगे और इसकी लेंथ लेंगे 4.5 इंच। स्केल से हमें लाइंस को मैच कर देना है और कट कर लेना है। ये हमारे बैक पार्ट की डिज़ाइन रहेगी। अब हमें बैक पार्ट को भी कट कर लेना है। तो जितना भी हमारा चेस्ट रहेगा उसमें 1 इंच ऐड करके हमें बैक पार्ट को रेडी रखना है। ये डिज़ाइन हम नीचे की ओर अटैच करेंगे। अब हमें सारे पार्ट्स को मेन फैब्रिक पे कट कर लेना है, फ्रंट, बैक और जो भी हमारा प्रिंट कट रहेगा। सारे पार्ट्स को रेडी करना है। अब हम प्रिंट कट को मेन फैब्रिक स्टिच कर लेंगे। सबसे पहले आप पिन से अटैच कर ले दोनों पार्ट्स को। ध्यान रहे दोनों पार्ट्स आमने सामने हो। इस तरीके से अब स्टिच कर ले। जब भी आप मेन फैब्रिक कट करो तो ध्यान रहे कि फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट रहे। अब हमें इस पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक्स को कट कर लेना पिंच हटा के। ये हमारे दोनों पार्ट्स रेडी। अब हमें फ्रंट पार्ट को भी रेडी करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लूँगी 4 इंच और लेंथ रहेगी हमारे 6.5 इंच। अब हमें यहाँ पे गोल शेप दे देना है बॉक्स बना के। सबसे पहले बॉक्स बना ले, ताकि जो भी शेप रहेगा हमारा प्रॉपर आएगा। इस तरीके से आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है राउंड शेप। अब इसे कट कर लेना। मैं यहाँ पे पेपर पेस्टिंग का यूज़ करूँगी। आप चाहे तो शेप पट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले पेपर पेस्टिंग को 2 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद जो भी हमारा नेक या फिर शेप रहेगा उसको उसके ऊपर रखना है।
और मार्क लगा ले, इस तरीके से शेप बना ले। अब हमें जो भी हमने मार्क बनाया उस पर 1 इंच रख के पूरे गोलाई दे देनी है। अब इसे कट कर ले। यह हमारा फ्रंट का नेक रेडी है। अब हमें फैब्रिक लेना और उसके ऊपर अटैच करना है। आप चाहे तो आयरन का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे स्टिच का ही यूज़ करूँगी। 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए इसको पूरा स्टिच कर ले। क्रीजेस आ रही है तो चल सकता है। इस तरीके से पूरा नेक फिनिश करना है। यह हमारा नेक रेडी है। अब हमें इसको अंदर से कट कर लेना है थोड़ा मार्जिन रखते हुए। अब जो भी हमारा फ्रंट रहेगा उसके ऊपर अटैच कर देना है। सबसे पहले सेंटर में रख के पिन से अटैच करना ताकि शेप हमारा प्रॉपर सेंटर में आए। अब हमें यहाँ पे स्टिच कर लेना है पूरे नेक को। अब छोटे छोटे कट्स लगा लेना है नेक पे, ध्यान रहे कट्स हमारी स्टिचिंग पे ना जाए। अब इसको अंदर की ओर फोल्ड कर ले। आप चाहे तो स्टिच भी लगा सकते हैं। अब हमें हमारा मेन फैब्रिक इसके ऊपर रखना है। और पिन अप करना है। अब सारे साइड्स पे स्टिचेस लगानी है। इस तरीके से स्टिच के बाद बचा हुआ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। अब हमें जो प्रिंस कट है उसको हमें अटैच करना है दोनों साइड्स में। कि हमारा यहाँ पे फ्रंट रेडी है। अब हमें पट्टी से इसको फिनिश कर लेना है। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच की पट्टी कट करी है। सबसे पहले सिंगल स्टिच लगा ले, उसके बाद कॉर्नर पे लगाना है। अब इसे पलटा के अंदर की ओर से स्टिच कर देना है। ध्यान रहे अस्तर का कपड़ा बाहर ना दिखे। ये हमारा नीचे से फिनिश कंप्लीट रेडी हो चुका है। अब यहाँ मैं शेप देना है तो यहाँ पे मैंने लिया है 2.5 इंच का बॉक्स और एक गोलाई का शेप दे देना है। इस तरीके से यहाँ पे हमारा फ्रंट रेडी है। अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे तो यहाँ भी मैंने बैक पार्ट का जो ऊपर का हिस्सा है उसमें पट्टी लगा के कंप्लीट करना है।
यहाँ पे भी ये 1.5 इंच की पट्टी लेनी है। सिंगल पेयर लगाने के बाद ऊपर से स्टिच लगाना है और अंदर की ओर इसको पूरा फोल्ड करना है फिनिशिंग के साथ। ये हमारा बैक पार्ट रहेगा, इसे हमें नीचे से मैच करते हुए अटैच करना है। इस तरीके से अब हम यहाँ पे कॉलर का निशान लगाएंगे, 1 इंच की गोलाई देना है नीचे से भी। अब हमें यहाँ पे 10 इंच पर मार्क लगाएंगे और एक शेप बना लेना है। अब इसे कट कर लेना है। यहाँ से भी इसको कट कर ले। अब हम इस पे आई पट्टी और हुक पट्टी अटैच करेंगे। यहाँ पे आई पट्टी और हुक पट्टी अटैच हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट के नेक को फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पट्टी ली है, आप जॉइन करके भी उसको बड़ा कर सकते हैं। 1.5 इंच की पट्टी के बाद हम इसको सबसे पहले फोल्ड कर लेंगे ताकि जब हम इसको फिनिश करें तब हमारी अच्छे से फिनिशिंग आए। इस तरीके से हमें इसे लगाना है नेक को कवर करते हुए। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगा ले और इसको अंदर की ओर फोल्ड करके स्टिच कर ले। दोनों साइड्स कर ले। यहाँ पे हमारे दोनों नेक बैक के रेडी है। ये हमारा बैक डिज़ाइन है। अब हमें 50 इंच की एक पट्टी काट करेंगे, उसकी विड्थ होगी 4 इंच। अब हमें यहाँ पे प्लीट्स देनी है। ध्यान रहे सिलाई कॉर्नर पे ना हो, कम से कम 1 इंच की विड्थ पे रहे। 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें प्लीट्स देनी है। इसके ऊपर आप कोई सी भी लेस लगा सकते हैं। यहाँ पे लेस लग के कंप्लीट हो चुके। अब हमें शोल्डर जॉइन करना है। सबसे पहले शोल्डर जॉइन कर ले दोनों साइड से। अब हमें इसे पूरे नेक पे लगाना है बैक पार्ट से स्टार्ट करते हुए। उसे लगाने के बाद हमें ब्लाउज की फिटिंग देनी है। तो सबसे पहले हम 1-1 इंच पे लगा देंगे मार्किंग और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर ले साइड से। अब इसे अंदर पलट के जितना भी हमारा चेस्ट और वेस्ट का मार्क रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे स्टिच लगाना है। यहाँ पे 34 के अकॉर्डिंग मैंने 8.5 इंच पे मार्क लगाया है। आप चाहे तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं।
मार्किंग लगा के लाइन ड्रॉ कर ले और उन मार्क्स पे स्टिच लगा ले। दोनों साइड दो दो स्टिच लगा ले। इस तरीके से हमारा ब्लाउज कंप्लीट रेडी है फिनिशिंग के साथ। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।